How to use bird brain? He spoke how to use bird brain. Bird brain क्या होता है? Bird brain होता है जैसे कि कोई व्यक्ति है जो बुद्धू है, किसी व्यक्ति को बोलते हैं you are stupid. Stupid बोलने से क्या होता है, व्यक्ति बुरा मान सकता है. तो एक काम करिए, उसे stupid ना बोल के बोल दो bird brain. You are a bird brain. She is a bird brain. He is a bird brain. मतलब stupid person, foolish person. जो आपके सामने nonsense बातें करता है, फालतू बातें करता है. Don't be bird brain यार. आप यूज मंकी बिजनेस. मंकी बिजनेस, मंकी बिजनेस कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, जो होती रहती हैं. नकल कर रहे हो, स्पेशली स्कूल टाइम व्हेन यू आर टेकिंग सम एग्जाम्स और आप नकल कर रहे हैं, तो ये टीचर कह सकता है टीचर फेल्ट मंकी बिजनेस इन द क्लास रूम. मतलब कुछ मंकी बिजनेस चल रहा है क्लास में, कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो इलीगल है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है. I feel monkey business is going on in this colony. इस कॉलोनी monkey business चलता है, कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो गलत हैं. How to use monkey see monkey do? Monkey see monkey do. बंदर जो देखते हैं वही अदर बंदर करते हैं. तो स्पेशली इसका मतलब ये होता है कि अगर आप छोटे बच्चों को देखोगे, जैसे आपने देखा छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं या उनमें ऐसी चीजें देखते हैं छोटे बच्चे, तो वो भी कार्टून तरह बिहेव करते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी देखते हैं जैसे पैर अपने से बड़ों के साथ में गलत भाषा का यूज करते हैं कभी कभी, वो टीवी के असर होता है. मैनी द पेरेंट्स डोंट लेट देयर चिल्ड्रन वॉच टीवी बिकॉज दे सी सम एक्टिविटीज हैपनिंग इन द टीवी एंड यू नो व्हाट विल हैपन. मंकी सी मंकी डू, जो बंदर देखते हैं वही करते हैं. तो जैसे बंदर कर रहे हैं काम को उसी को आप देख रहे हैं, तो आप मंकी सी मंकी डू, इसका मतलब ये हो जाता है कि अपने सिमिलरली अपने आसपास अपने आसपास कॉलोनी के लोग होते हैं. आपने देखा होगा एक कॉलोनी में किसी व्यक्ति ने कुछ कार खरीद के लेके आया, तो अब उसके पास पैसे हैं या नहीं है वो भी खरीदेगा, बिकॉज मंकी सी मंकी डू. क्लास में एक स्टूडेंट ने कोई ऐसी एक्टिविटी करी वो बोलेगा सेम मंकी सी मंकी डू. हाउ टू यूज कैश काउ. कैश काउ, कैश काउ आपने हिंदी में सुना होगा कभी, ऐसे बोलते हैं ना गोल्डन गूज, शी इज माई गोल्डन गूज, ही इज माई गोल्डन, मतलब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती है उसे गोल्डन गूज बोलते हैं. उसी तरीके से उसे कैश काउ भी बोल सकते हो. शी इज कैश काउ फॉर मी, ही इज कैश काउ फॉर मी, मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो आपको लगातार पैसे बना के देगा उसे बोलते हैं कैश काउ. जैसे कुछ लोग ऐसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं वो इनके कैश काउ बन जाता है. बाइंग अ बिल्डिंग एंड कीपिंग इट फॉर द रेंट, किराए पर रहते हो बिल्डिंग को, एक बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग में कोई किराए की दुकान खोल दो, तब बोल सकते हो दिस बिल्डिंग इज अ कैश काउ फॉर मी, मतलब ये सोना देती है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है मेरे लिए, कैश काउ. सम ऑफ द गर्ल्स दे मेक बॉयफ्रेंड ऑल्सो, कुछ बॉयफ्रेंड भी बना लेते हैं जो कि उनके लिए हमेशा पैसे का इंतजाम करता रहता है, पार्टी का इंतजाम करता रहता है, तो गर्ल्स बोल सकती हैं ही इज कैश काउ फॉर मी, ये हमारे मतलब खर्च उठाने वाला व्यक्ति है, कैश काउ है भैया, ऐसी गैया है जो दूध देती थी हमेशा, तो ही इज कैश काउ, शी इज कैश काउ. कुछ YouTube channels भी होते हैं, some people make some YouTube channels because their channels are cash cow for them. How to use let the cat out of the bag? Let the cat out of the bag. इससे मतलब ये होता है कि कोई secret, to reveal the secret, कोई बातें छिपी हुई है उसको राज खोल देना. जैसे भाई जो मन में है तो आपके बोल दो, आप मन में क्या प्लान चल रहा है, क्या चल रहा है उस पार्टी के बारे में बता दो मुझे, तो let the cat out of the bag. जैसे मैंने पार्टी प्लान की लेकिन पार्टी के बारे में बता किसने दिया, किसने इसे रिवील कर दिया, तो हु लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, किसने बताया आपको, सीक्रेट किसने खोल दिया. आई वॉज प्लानिंग फॉर सरप्राइज पार्टी बट माई यंगर ब्रदर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इस तरह यूज कर सकते हैं. हाउ टू यूज टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब यह है चैलेंज को स्वीकार करना, बहादुरी के साथ में चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उसको उसका सामना करना. तो टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, जैसे आपको प्रिंसिपल सर छुट्टी चाहिए आपको, अब हाफ डे चाहिए, आजकल हाफ डे ऐसे मिलते भी नहीं है, कुछ ऐसे नियम बन गए हैं कि यूनिफॉर्म में आप कहीं घूमने जा सकते हो तो हाफ डे का ही है, तो हाफ डे मिलता नहीं, लेकिन फिर भी आपको हाफ डे लेना है तो प्रिंसिपल 10 क्वेश्चन पूछेगा. इफ यू वॉन्ट टू टेक हाफ डे फ्रॉम द कॉलेज देन गो टू प्रिंसिपल ऑफिस एंड टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. यहाँ पे बुल कौन है या प्रिंसिपल बुल है, तो साउंड को उसके सिंग पकड़ के लड़ना हैंडल करिए. पापा से आपको पैसे चाहिए, पता नहीं क्यों चाहिए, पापा पैसे चाहिए, पापा जी क्यों पैसे चाहिए, तो जब हिम्मत तो करके आपको उससे बात करनी पड़ेगी, तो हिम्मत करके बात करना होता है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. इफ यू वांट टू टेक मनी फ्रॉम योर फादर यू हैव टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब डट के सामना करो, होगा देखा जाएगा,
लाओ खुल के सामना करते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इस बात को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अब देख लो होगा देखा जाएगा। हाउ टू यूज नेस्ट एग। नेस्ट एग, नेस्ट एग होती है सेविंग मनी, आपकी जो सेव्ड अमाउंट है, सेव पैसा, उसको नेस्ट एग। आप देखिए घोंसले में अंडे ऐसे रखे जाते हैं ऐसे करके, क्योंकि वो सेव मनी है आपका। तो यू मस्ट हैव अ लिटिल नेस्ट एग। शी इज हैविंग अ लिटिल नेस्ट एग फॉर हर रिटायरमेंट। यू मस्ट डू सम इन्वेस्टमेंट फॉर योर नेस्ट एग, मतलब सेविंग के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। एवरीबडी शुड हैव सम नेस्ट एग फॉर देयर फ्यूचर। ओल्ड फादर हैड टू स्पेंड सम ऑफ हिज नेस्ट एग फॉर हिज सन्स एजुकेशन। इस तरह कुछ एग्जाम्पल यूज कर सकते। हाउ टू यूज गेट लायंस शेयर। गेट लायंस शेयर, शेयर का हिस्सा समझो। शेयर अगर जंगल में मतलब कुछ जानवर है, तो जानवर के सामने सभी को इक्वल खाना मिलेगा, तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा शेयर किसको मिलेगा? सीधी सी बात है, शेयर को मिलेगा। तो जब शेयर खाने तो किसी को सबसे बड़ा हिस्सा पाना, मतलब टू गेट द लायंस शेयर। इन द कंपनी द मैनेजर इज गेटिंग लायंस शेयर, मतलब मैनेजर सबसे ज्यादा हिस्सा मिल रहा है। ऑल ऑफ द बिजनेस वेयर यू पीपल आर वर्किंग एम्प्लॉइज आर गेटिंग द स्मॉल शेयर बट द बॉस इज गेटिंग द लायंस शेयर। उससे आप अलग तरीके से कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो। When you are having any program at your home, your mother did lion's share of the work. मतलब काम का बहुत बड़ा हिस्सा मम्मी पूरा कर देती हैं। तो my mother did lion's share of the work. ऐसे यूज कर सकते हैं आप। How to use a dark horse? A dark horse, ये कैसे इंसान को बोला जाता है जो व्यक्ति छुपा रुस्तम होता है। छुपा रुस्तम बोलते हैं, he is a dark horse. छुपा रुस्तम नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी। कोई व्यक्ति दिखने में बड़ा सिंपल साधा लग रहा है, लेकिन बाहर जब जाओगे तो बड़ा करे काम खेल रहा है, अच्छे काम कर रहा है, या कोई एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बोलते हैं ही इज डार्क हॉर्स, शी इज डार्क हॉर्स। कोई व्यक्ति छुपा रुस्तम में डार्क हॉर्स है। एक व्यक्ति बड़ा सिंपल लग रहा है दिखने में, लेकिन जब पार्टी में पहुंचा तो पार्टी में उसने डांस कर दी बैराकी, ही डांस लाइक एनीथिंग। तो भैया तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, ही इज डार्क हॉर्स। ऐसे यूज कर सकते हैं आप। लिटिल बर्ड टोल्ड मी, इसका मतलब जब आपको कोई ऐसी न्यूज मिले किसी के बारे में, पर्सनल न्यूज मिलती है, पूछेगा आपसे तो ये किन्ने बताया, बस पता चला मैं, बस बताया किसी ने। जब किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताना चाह रहे हो, बस सीक्रेट रखना चाहते हो, बोल सकते हो आ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, बस पता चला मैं, पता है मैं। उन्होंने कहा आपके घर में झगड़ा हो गया, तो किन्ने बताया, आ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। किसी व्यक्ति की शादी हो गई हो और सुबह सुबह उसकी आंख सूज हुई मिले, तो पूछ सकते हो भैया भाभी ने पीट दिया क्या, तो किन्ने बताया, बस a little bird told me। ऐसे यूज कर सकते हैं। How to use a fly in the ointment? A fly in the ointment, ointment में मक्खी, ointment होता है मरहम, तो उस मरहम में मक्खी गिर जाए तो बेकार हो जाए पूरा। जिस तरीके से जब चाय पीने हो तो उसमें मक्खी अगर गिर जाए, अबे यार ये तो a fly in the ointment मतलब पूरा मजाक गिर कर देना, पूरा मजाक खराब कर देना, उसे बोलते हैं fly in ointment। जैसे कोई दो लोग हैं वो अपना कहीं घूमने जाने वाले हैं, स्पेशली जब लड़कियां किसी लड़के से मिलने जाने वाली होती हैं, तो लड़का एक्सपेक्ट करता है अकेले घूम मिलने आए उससे, लेकिन लड़की किसी एक तीसरे को पकड़ के साथ चलती है। तो जो तीसरा व्यक्ति है वो है शी इज अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। व्हाई शुड आई बी फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, मतलब कबाब पे हड्डी बनना, उसे बोल सकते हो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। ऐसे यूज कर सकते हैं। हाउ टू यूज ओपन अ कैन ऑफ बॉम्ब्स। ओपन अ कैन ऑफ बॉम्ब्स, सोचो अभी एक कैन लिया आपने, उस कैन को खोला तो उसमें बहुत सारे कीड़े निकले, ऐसे ऐसे बोले हुए एक दूसरे में, कीड़े गिजाए कैच में सब निकल रहे हैं, चिपके हुए दूसरे से, ये तो खा जाते हैं तो वो कीड़े निकल रहा है, मतलब ओपन अ कैन ऑफ वॉर्म्स, बहुत सारे कीड़े निकलते हैं उसमें, गिलहड़ निकलती हैं। तो इसका मतलब ये है कोई ऐसी सिचुएशन बनाना या ऐसा कोई क्रिएट करना, या कोई ऐसी आप चाहते थे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा मैं, लेकिन सॉल्व करने के चक्कर में आपने दो चार बातें और बना दी, तो वो बातें आपको पजल कर गई, वो नुकसान कर गई। तो यार यू हैव ओपनड अ कैन ऑफ वॉर्म्स। जिस तरीके से आप लोग होते हैं एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, आपने एक झूठ बोला उसके बाद एक झूठ बोला और झूठ बोला, तो आपने झूठ बोला ही क्यों पहले, तो यू ओपनड अ कैन ऑफ वॉर्म्स। तो आपको एक के बाद एक झूठ बोलने पड़ेंगे। फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर आप इन्वाइट करते हो पार्टी में, इफ यू वॉन्ट टू ओपन अ कैन ऑफ वॉर्म्स देन यू कैन इन्वाइट हर। अगर आप पार्टी में चाहते हो कोई अड़ंगे अड़े तो उसे बुला लो फिर, तो इफ यू वॉन्ट टू ओपन अ कैन ऑफ वॉर्म्स यू कैन इन्वाइट हर, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी।
I'm opening the can of worms as she is making video with me. She is smiling all the time. She is laughing all the time. So I have opened a can of worms. Khan ko maine bulaya. Apni prompt create kar li maine. Is tarah use kar sakte ho. So English evening with Jal with English. Thank you. Like, share, subscribe. And don't forget to press bell icon.